दोस्तों सबसे पहले हम एक बुकरम लेंगे। बुकरम की लंबाई हमारी रहेगी दोस्तों 14.5 इंच और इसकी चौड़ाई रहेगी 6.5 इंच। दोस्तों हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करके सबसे पहले हम इसका निशान लगाएंगे। 10 इंच ब्रॉड रहेगा। 10 इंच के लिए हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, हाफ। उस पर लंबाई हमारी रहेगी ब्रॉड के लिए की 4 इंच। अब यहां से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। दोस्तों इसकी गोलाई लेंगे हम। गोलाई लेने के बाद में तो हम 1.25 इंच का डिजाइन डाल देंगे यहाँ पे, 1.25 इंच का निशान लगा के, और बिल्कुल इसके साथ में ये निशान लगाएंगे। इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग दोस्तों हमने ऊपर की करनी है सबसे पहले। यह हमारा ब्रॉड हो गया है। अब हमने इसको यहां से सेंटर से कट लगाना है। ये यहां से हमने कट लगा के अब इसकी कटिंग करनी है हमने। दोस्तों ये सामने इसका फेंकना नहीं है, हम इसको कपड़े पे लगाएंगे। यहां से हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। अब हम इसको कपड़े पे लगाएंगे। दोस्तों ये गला हमने पेस्टिंग कर दिया है। अब इसका हम सेंटर का निशान लगा देंगे, यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे। दोस्तों जो हमने इसका अंदर का पीस निकाला था वो भी हमने पेस्टिंग चिपका दिया है इसको। अब हम इसको कंट्रास्ट में लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दोस्तों अब हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे हमने सेंटर से इसको एक सिलाई लगानी है। दूसरी साइड की भी सिलाई लगा देंगे।
दोस्तों इसकी कटिंग कर देंगे हम, गले का बीच का पार्ट्स निकाल देंगे। किसी भी कील की मदद से इसका कोना निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम 5 नंबर टागे से इसको कच्चा कर देंगे। दोस्तों हमने इसको कच्चा कर दिया है, अब हम इसका यहाँ का पार्ट बनाएंगे जो हमने लगाना है। ये हमने इसको पेस्टिंग करके रखा हुआ है, हम इसकी सिलाई लगाएंगे। हम इसको हम पलट देंगे यहाँ से इस तरीके से। ये कोई भी कील की मदद से इसको इसका कोना बाहर निकाल देंगे। हमने इसको पलट दिया है दोस्तों। अब हम एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। हमने ये गला जो तैयार किया था यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों हमने ये टुकड़े काट के रखे हुए हैं, 1.5 इंच के टुकड़े हैं ये। हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा देंगे।
दोस्तों उन टुकड़ों को हमने यहाँ पे लगाना है। दोस्तों ये साथ के साथ टुकड़े लगाते चले जाएंगे। तो दोस्तों नैक हमारा तैयार है।